नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज के ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए, पुराने घर कैसे हुआ करते थे लकड़ी के, गांव में आज भी ऐसे बहुत सारे घर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी यहीं रुका हुआ हूँ और अब जाएंगे हम मंदिर में। तो अब आपको आगे दिखाते हैं मंदिर का दृश्य। और दोस्तों ये वो घर है जहाँ पे मैं रुका था रात को। देखिए दोस्तों कितना बड़ा घर है, और यहाँ अभी कोई नहीं रहता है फिलहाल। जो यहाँ रहते हैं वो ऋषिकेश रहते हैं, और छुट्टियों में कभी कभी घर आते हैं। और पुराने घर देखे थे दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जिसमें बनाना है पंचांग वगैरह मंडप बनाना है ना, दो चौकियाँ हाँ, वो सब है ना। बस तो डबल आ डबल उसके। अच्छा हाँ अच्छा, ये नागराज जी वो नागराज जाओ, एक ही एक ही चीज़ है। हाँ, कुल देवी कौन सी है आपकी? ये दिव्य और ने हम दुर्ग दुर्गे बहुत। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और दोस्तों ये मंदिर का गुम्बद है, अंदर से पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और ये हैं शंकर जी, यहाँ पे भैरव जी की मूर्ति है, और ये खोदी के गणेश जी से बोलते हैं, दरवाजे पे इन्होंने गणेश जी रखे हुए हैं। और ये बाहर हैं नंदी जी, और बारिश काफ़ी हो रही है दोस्तों। और दोस्तों ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है आपको, यहाँ हैं से मुकेम्स। ये ऊपर टॉप में जो ये पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे एक घर सा दिख रहा है, तो ये मंदिर है सेम मुखेम का। और नीचे जो ये गेस्ट हाउस दिख रहा है आपको, यहाँ से वहाँ ऊपर तक 2 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे आपको। और दोस्तों ये मंदिर के बगल में पूरा जंगल ही जंगल है, और ये देखिए बुरांस के पेड़, और ये जो लाल लाल फूल आप देख रहे हैं बुरांस के हैं। और यहाँ अधिकतर पेड़ दोस्तों बुरांस के हैं, यहाँ के लोग बहुत जोश भी मनाते हैं इसका। और बुरांस और चीड़ के पेड़ ही यहाँ अधिकतर हैं। और ये मंदिर ये भी नया नया बना है दोस्तों, 2-3 साल हुए इसे बने हुए। और ये गमलों पे जो आप ये पौधे देख रहे हैं, पहिया के पौधे हैं। और गढ़वाल में या उत्तराखंड में तो इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है पहिया को। कभी अगर किसी का कुतुला दान वगैरह होता है तो उसमें इसकी लकड़ियों का तो तराजू बनाया जाता है, तो काफ़ी पवित्र माना जाता है पहिया को। और दोस्तों ये बड़ा सबसे टॉप में ये मंदिर बनाया हुआ है इन लोगों ने, और गांव इनका नीचे है, ये इनके खेत हैं। यहाँ इन्होंने अभी जौ वगैरह बो रखे हैं, और यहाँ इस टॉप से सारा दृश्य दिखता है दोस्तों। सामने पहाड़ियाँ और मंदिर के पीछे यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है इन लोगों का। ये पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पीछे, चीड़ और बुरांस के पेड़ यहाँ सबसे ज़्यादा है। इन लोगों ने यहाँ पे हवन कुंड बना रखा है। और ये देखिए दोस्तों कितने सारे बुरांस के पेड़ पौधे फूल चढ़े हुए हैं। हाँ दोस्तों, ये सामने जो आपको घर दिख रहा है, इसको बहुत ही जल्दी स्कूल में बदल दिया जाएगा। यहाँ के लोग बता रहे थे कि ये इस घर को अब स्कूल बनाया जा रहा है, तो ये जब होगा तब होगा, पर घर बहुत बढ़िया है दोस्तों ये। और दोस्तों अब शाम हो गई है, और अब हो रही है मंदिर की आरती। और आरती में यहाँ गांव के बहुत सारे लोग आते हैं, खासकर बच्चे बच्चे लोग, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। और यहाँ पे होती हैं अम्बे जी की आरती, जगदीश जी की आरती, और भगवान शंकर जी की आरती। तो काफ़ी बच्चे यहाँ के जो हैं धार्मिक हैं, और जब आते हैं आरती में तो अपने साथ प्रसाद वगैरह लेके भी आते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको शुरू से ही हमारी संस्कृति का पता है कि हमें मंदिर जाना चाहिए, और काफ़ी भक्ति वाले भी बच्चे हैं। Yeah.
और दोस्तों जब यहाँ पे आरती होती है तो ढोल हमेशा आते हैं यहाँ पे, ढोल के साथ ही आरती वगैरह होती है, और जब आरती ख़त्म होती है उसके बाद देवता वगैरह आते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों फाइनली आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल कुछ नया बताएंगे आपको, तब तक के लिए लाइक और कमेंट करें, धन्यवाद।